हेलो 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 आज इस महल में जिस दिन से रानी बनकर के स्वर्गवास हो चुके हैं और उस दिन से हमारे दोनों लाल बेटा समुद्र भूषण आज मैं देखता हूँ कि एक कोना में बैठ करके हमेशा रोते रहते हैं। आज मेरा मन करता है कि दोनों बालक को जब उसका मुख देखता हूँ तो हमेशा उसके आंख से आंसू गिरते ही रहते हैं। इसीलिए मैंने आज सोचा हूँ कि आज दोनों पुत्र को मैं यहाँ से लेकर के चला जाऊंगा कोठी जैसी, क्योंकि अगर इस महल में मैं छोड़ देता हूँ तो मेरा पुत्र रोते रोते वह भी प्राण त्याग देंगे। अगर जो कोर्ट कचहरी में हमारे नजरों के सामने रहेगा तो उसे मैं अच्छे ढंग से देखभाल करूंगा। आज उससे पहले मैं रानी को बुला लेता हूँ और उससे आदेश लेकर के उसके बाद में जाऊंगा। हेलो हेलो ओए हे ये कबेरा या बेरानी वो सीधा सारा ले पाजा ये इतनी जोर से आप आवाज लगाए कि मेरी महारानी तुम कहाँ हो? पतिदेव मैं दौड़ के आपके पास आई हूँ। हेलो 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 राधे आज इस महल में जिस दिन से बड़ी रानी मर करके स्वर्गवास हो चुकी है रानी हासानी और उस दिन से मैं देखता हूँ कि दोनों पुत्र इस महल में एक कोना में बैठ कर के हमेशा रोते ही रहते हैं रानी। चेष्टा भी नहीं नहीं आप गलत बोल रहे हैं रानी। आप कि मैं दोनों पुत्र को मैं अपने साथ लेकर के जा रहा हूँ कोर्ट कचहरी में रानी। अगर इस महल में मैंने छोड़ दिया तो हमारे पुत्र रोते रोते वो भी अपना प्राण त्याग देंगे रानी। पतिदेव आप जैसे मेरे साथ बातें कर रहे हैं ये कोई आप बात नहीं बोल रही है स्वामी जी। आप यही नहीं सोच रहे हैं ये दोनों पुत्र समुद्र और भूषण मेरी बलि महारानी के गर्भ से जन्म लिया है। छोटी महारानी के गर्भ से अभी तक एक भी संतान पैदा नहीं किया है। आप यह नहीं सोच रहे वो मेरा पुत्र है? ठीक है आपका पुत्र है स्वामी जी। आप अपने पुत्र को आप अपने साथ ले जाने के चाहते हैं
आप अपने पुत्र को अपने साथ ले जा सकते हैं। ठीक है, मैं वह दोनों पुत्र को कोई नहीं हुई। ठीक है, मैं जा रही हूँ। अरे रानी, इधर सुनो सर। रानी रानी सेवा बनवा दोनों पुत्र में क्या नहीं की। मैं ये नहीं सोच रही कि मेरे घर से पुत्र पैदा नहीं लिया है। मैं सोच रही कि मेरे घर से वह दोनों पुत्र जन्म लिया है। वह मेरी बड़ी बड़ी वह दोनों पुत्र को जन्म देने वाली माँ है। वह दोनों पुत्र का जन्म देने वाली माँ थी, लेकिन उनकी भोरों को शुरू करने वाली मैं हूँ। मैं तो अपने पुत्र के भलाई के बारे में सोच रहा था, लेकिन मैं हमेशा मैं जानता हूँ कि तुम वह दोनों बालक के बिना तुम एक पल भी नहीं जी सकती है रानी। लेकिन रानी, आज तक तुम यह एहसास होने के लिए नहीं दिया है कि तुम उसके सतेली माँ हो। और इसी तरह से रानी, तुम हमारे पुत्र को अपने पुत्र समझती हो और अपने पुत्र हमेशा समझाना रानी। पतिदेव, मैं तो दोनों दोनों पुत्र को मैं पुत्र मानता हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि मेरी बड़ी दीदी के घर से जन्म लिया है। मैं कहती हूँ मेरे घर से जन्म लिया है। ठीक है रानी, मैं यहाँ से कोर्ट कचहरी जा रहा हूँ और बेटा समुद्र भूषण को भोजन करा करके और इस पढ़ने के लिए भेज देना रानी। ठीक है पतिदेव। ठीक है रानी, तुम जाकर के अपने महल में आराम करो। बेटा समुद्र, बेटा भूषण आ गया है। हाँ हाँ पिताजी, इस सब को टप कर लीजिए। लो बेटा, बेटा भूषण। हाँ हाँ पिताजी, आज से मैं जा रहा हूँ कोर्ट कचहरी और तुम दोनों भाई अपनी माँ के हाथ से भोजन करके गुरु पाठशाला पढ़ने के लिए चले जाना। पिताजी मेरे लाल, आप तो जानते हैं पिताजी कि माँ अभी हफ्ता रोज नहीं बीता है।
माँ छोड़ करके स्वर्गवास हो गई। हम दोनों भाई के दिल में अभी वो दर्द है जो मैं भुला नहीं पा रहा हूँ पिताजी। मेरे लाल ठीक है तो जानते हो कोर्ट कचहरी नहीं जाता हूँ तो सारे काम जो कोर्ट कचहरी के है सारे काम ठप रहता है। इसीलिए आज से तो अगर जब तुम्हारी माँ अगर एक थप्पड़ भी उठा करके मारे तो तुम दूसरा गाल आगे कर देना पोत और उससे यह कभी एहसास होने के लिए नहीं देना कि वह हमारी माँ नहीं है। पिताजी आज तक तो हम दोनों भाई कभी ये नहीं सोचे कि मेरी माँ कौन सी है। आज तक मुझे पता भी नहीं है कि मुझे जन्म देने वाली माँ मर गई या जिंदा है। मेरे लाल हाँ पिताजी मैं जानता हूँ कि तुम पिताजी को कभी यह शिकायत का मौका नहीं दोगे। मेरे लाल तुम तो हमारे अच्छे पुत्र हो और इतना होशियार इतना विद्वान हो इसीलिए जब मैं तुम्हारे मुख देखता हूँ तो मेरा मन भर जाता है मुझे सारे दुख मैं भुला जाता हूँ तुम दोनों भाई को देख करके। पतिदेव जाना चाहते हैं? हाँ है रानी मैं कोर्ट कचहरी जा रहा हूँ। आप कोर्ट कचहरी जाना चाहते हैं आप कोर्ट कचहरी को चले जाइए समझ गए? ठीक है रानी मेरे दोनों पुत्र अभी तक भूखे हैं मैं दोनों पुत्र ले जा रही हूँ भोजन करवा लो। ठीक है रानी मैं जा रही हूँ। हाँ हाँ पिताजी मुझे आज्ञा दो मुझे। ठीक है पिताजी आप जाइए हम दोनों भाई माँ के हाथ से भोजन करके चले जाएंगे। और हम भागोले में चले लो हम से भूखे Yeah.